माननीय प्रधानमंत्री जी, जापान के माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले पीछे एक मॉडल बना हुआ है इस पूरी हाई स्पीड ट्रेन का, उसका अवलोकन करेंगे और उसको किस तरीके से आगे तक ले जाया जाएगा संकल्प से सिद्धि तक, वो उसमें दिखाया गया है। कौन कौन से स्टेशन्स हैं, कौन कौन सी नदियों को पार करके ये आगे बढ़ेगी, मेन स्टेशन क्या है, ख़त्म होगा मुंबई पर, यहाँ से साबरमती स्टेशन से शुरू होगी। तो इस एग्जीबिशन का, इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे दोनों ही माननीय प्रधानमंत्रीगण और उसके बाद मंच पर पधारेंगे। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री गुजरात, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र और माननीय राज्य मंत्री गंडी पधार चुके हैं सभी।
माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जापान, माननीय प्रधानमंत्री भारत दोनों ही प्रांगण में पधार चुके हैं, कुछ ही देर में हमारे बीच में होंगे। हम हृदय से स्वागत करते हैं जापान के माननीय प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी मिस्टर शिंजो आबे तथा भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय विश्व के दो महान देश मित्रता की अद्भुत मिसाल और नई सौगात के साथ आज ये महान दृश्य एक नई इबारत लिख रहा है। बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी मिस्टर शिंजो आबे और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय आप दोनों का। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय गवर्नर गुजरात श्री ओपी कोहली, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री विजय रूपानी, माननीय केंद्रीय रेल मंत्री भारत सरकार श्री पीयूष गोयल तथा माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस का और सभी गणमान्य महानुभावों का, अतिथियों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज फिर गर्व हो रहा है हमें अपने अतिथि सत्कार के संस्कार पर, स्वागत परंपरा के इस सादर नमस्कार पर। हम निवेदन करते हैं माननीय केंद्रीय रेल मंत्री भारत सरकार श्री पीयूष गोयल से कि कृपया जापान के माननीय प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी मिस्टर शिंजो आबे तथा भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अतिथि देवो भव और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, धन्यवाद माननीय। अब हम आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय रेल मंत्री भारत सरकार श्री पीयूष गोयल से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे-सान, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल जी, डेप्यूटी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी निशिमुरा-सान, माननीय गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री, मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगण और उपस्थित महानुभाव, मैं हिज एक्सेलेंसी आबे-सान का और उनके सभी साथियों का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के कार्य शुरू होने के इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी की उपस्थिति ने हमें गौरवमय किया है। हम धन्य हैं कि आज हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भूमि साबरमती में आने का अवसर मिला है। रेल यात्रा के दौरान हुई एक घटना में ही गांधी जी का समानता, न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया था। साउथ अफ्रीका में महात्मा जी को भेदभाव के कारण एक ट्रेन से निकाला गया था। वह ट्रेन लोगों के बीच बंटवारे का प्रतीक थी, किंतु आज एक दूसरी ट्रेन दो मित्र देशों के बीच जोड़ रही है मित्रता। यह बुलेट ट्रेन जापान और भारत के लोगों के बीच भाईचारे का प्रतीक बन रही है। आज का दिन मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। जापानीज बुलेट ट्रेन शिनकानसेन 1964 में पहले शुरू हुई थी। मेरा भी जन्म उसी वर्ष हुआ। यह हम दोनों के लिए एक नई पारी के समान है। मेरे लिए रेल मंत्री के रूप में और शिंकानसेन के भारत में ऐतिहासिक नगरी कर्णावती में शुरुआत होने का। भारत को इस प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी और बहुत सस्ते दर पर निवेश उपलब्ध कराने के लिए हम जापान का धन्यवाद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के फलस्वरूप एक्सेलेंसी आपके द्वारा 50 वर्षों के लिए
लगभग शून्य ब्याज पर उपलब्ध कराए गए 88,000 करोड़ रुपए की मदद से यह सुविधा भारत के आम नागरिकों को सस्ते दरों पर उपलब्ध होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जापान की टेक्नोलॉजी से भारत में बुलेट ट्रेन बनेंगे, जिससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बहुत बढ़ावा मिलेगा और इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ कीमतें कम होने से यह बुलेट ट्रेन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व में भी भारत के द्वारा बनाई गई ट्रेन सस्ते दरों पर उपलब्ध की जाएंगी। यह प्रोजेक्ट भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। जापान के साथ यह पार्टनरशिप पिछली पार्टनरशिप्स की तरह एक बार फिर भारत के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। 30 साल पहले मारुति सुजुकी की पार्टनरशिप से भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। आज भारत में ऑटो इंडस्ट्री आर्थिक विकास और रोजगार का बड़ा साधन है। कुछ निराशावादी लोगों ने 1968 में राजधानी ट्रेन की शुरुआत से के समय भी आलोचना की थी, लेकिन आज राजधानी एक ऐसी ट्रेन है जिसमें सभी यात्रा करना चाहते हैं। एक समय था कि मोबाइल को एक विशिष्ट एलीट वर्ग के लिए माना जाता था और एक फोन कॉल 16 रुपए प्रति मिनट था। आज भारत में मोबाइल कॉल की कीमत दुनिया में सबसे कम है, लगभग मुफ्त के बराबर, और लगभग हर एक के घर में मोबाइल फोन भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करके शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स समृद्धि के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के न्यू इंडिया के विजन को भी पूरा करेगी। एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री आबे सान और प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करता हूं और उनके कुशल नेतृत्व के लिए उन्हें बधाई देता हूं। आप सब नो बहु बहु आभार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। इस खास मौके पर हमारा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस से कि कृपया अपने उद्गार प्रकट करें। परमादरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जापान के प्रधानमंत्री आदरणीय शिंजो आबे सान, गुजरात के गवर्नर श्री ओपी कोहली जी, मुख्यमंत्री भाई विजय रूपाणी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी, विशेष रूप से उपस्थित हिरोतो इजुमी सान, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज का दिवस भारत के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जिस नव भारत की संकल्पना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है, आज एक प्रकार से केवल बुलेट ट्रेन की नींव हम नहीं रख रहे, तो उस नव भारत की नींव भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से रखी जा रही है। और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं महाराष्ट्र और गुजरात की ओर से कि देश की पहली बुलेट ट्रेन ये हमें प्राप्त हो रही है, और मैं ये मानता हूं कि इसका बहुत ज्यादा लाभ इन दो राज्यों को होगा, देश को तो होगा ही, पर प्रमुख रूप से इस बुलेट ट्रेन के कारण जो रोजगार तैयार होगा हमारे दोनों राज्यों के जीडीपी में, इससे जो इजाफा होगा, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके कारण हम भाग्यशाली है कि ये नए भारत की ओर जो हम लोग अब जा रहे हैं उसकी शुरुआत आज
यहाँ से गुजरात से हो रही है और वो मुंबई तक जाएगी। मैं इस मौके पर जापान के प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने इसके लिए सारी मदद भारत सरकार को दी और मैं साथ ही में हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने केवल इसके लिए ही जापान से हमको मदद नहीं दिलाई, तो महाराष्ट्र में मुंबई में मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, करीब 30,000 करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जापान की सरकार ने इसी प्रकार के टर्म्स पर महाराष्ट्र को भी दिए हैं, जिससे बहुत बड़ा विकास हो रहा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज अगर हम ये कहें कि भारत का नज़दीकी मित्र प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोई है तो वो जापान है, जिस प्रकार से आज जापान हमारे साथ ये सारा व्यवहार कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को अंत में इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी आपने बुलेट ट्रेन की न्यू तो अहमदाबाद में रखी, लेकिन मुझे पूरा पता है कि बहुत जल्द ये काम हम लोग पूरा भी कर लेंगे और जब काम पूरा होगा तो आपसे निवेदन है इसका उद्घाटन करने के लिए इसी ट्रेन में बैठकर मुंबई में आइए और मुंबई में इसका उद्घाटन कीजिए, यह आपसे मैं निवेदन करता हूँ। फिर एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री विजय रूपाणी से अब हमारा अनुरोध है कि कृपया इस पावन अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। मंच पर विराजमान अपना सौना लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जापान ना माननीय प्रधानमंत्री श्री शिंजो अबे जी, गुजरात ना गवर्नर आदरणीय ओपी कोहली जी, मंचस्थ महाराष्ट्र ना मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, मनोज सिन्हा जी, राजेन गोयल जी, आदरणीय नितिन भाई, मंचस्थ सौ महानुभाव भाइयों ने बहनों, सौप्रथम अपना वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी अने जापान ना वडाप्रधान आदरणीय श्री शिंजो एबे जी नू गुजरात की जनता वती खूब खूब स्वागत करूँ छू अने आभार पण व्यक्त करूँ छू के आप बन्ने रेलवे ना इतिहास में एक क्रांतिकारी हाई स्पीड ट्रेन अने वर्ल्ड क्लास बुलेट ट्रेन नू जे शुभ शुरुआत गुजरात नी पूज्य महात्मा गांधी जी ज्यां आजादी नी लड़त करी ए साबरमती आश्रम मतलब साबरमती स्टेशन ऊपर थी आज जारे शुभ शुरुआत थई रही छे, आज ये समग्र गुजरात खूब हर्षनी लागणी अनुभवे छे। जापान अने गुजरातना संबंधों आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कारणे वर्षों थी अटले के वाइब्रंट गुजरात नी शुरुआत थी ज पहला वर्ष थी ज जापाने हमेशा गुजरात साथे रही अने कंट्री पार्टनर तरीके अपनी साथे जोड़ाई ने गुजरातना विकास में वाइब्रंट गुजरात पछी 80 थी वधु कंपनीओ आज गुजरात में कार्यरत थई छे। एटले गुजरात अने जापान नो जे संबंधो भारतना संबंधों ने मजबूत करवा माटे वर्षों थी नरेंद्र भाई ना दीर्घदृष्टि अने प्रयत्न थी आज जापान साथे आपणे जोड़ाया छीए, एमां आजे एक मोटी यश कलगी नी आजे उमेरो थयो छे। एवी ज रीते स्वाभाविक छे के नरेंद्र भाई माटे કે નરેન્દ્રભાઈ અદ્ભુત વિચારે છે, જ્યારે જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ નવી નવી વાત કરી છે લોકોને અચંબામાં મૂક્યા છે। ભૂતકાળમાં ગુજરાતમાં જ્યારે એમને જ્યોતિગ્રામ યોજનાની વાત કરી કે
કે ગામડાઓમાં 24 કલાક લાઈટ તો લોકોને નવાઈ લાગતી હતી, વિરોધીઓને તો સમજાતું નહોતું, અને એ જ્યોતિગ્રામ યોજના વાસ્તવ સ્વરૂપમાં પૂરી નરેન્દ્રભાઈએ કરાવી હતી. નર્મદાના પાણી ઉત્તર ગુજરાતને સૌરાષ્ટ્રના ડેમોમાં આખી નદીઓના ઘોડાપૂર પાઇપો દ્વારા ડેમો ભરવા આ યોજના પણ જ્યારે મૂકી ત્યારે લોકોને સમજાતું નહોતું, વિરોધીઓ ટીકા કરતા હતા, અને એ યોજના પણ સાકાર થઈ અને માં નર્મદાથી ડેમો પણ ભરાણા. હંમેશા નરેન્દ્રભાઈએ હિંમત ભર્યા અને એક નવા પ્રકારના અભિગમ સાથે વિશ્વ જે દિશામાં જઈ રહ્યું છે, આધુનિક ભારત, મેક ઇન ઇન્ડિયા, અને એક સમયની સાથે ઝડપથી વિકાસને આગળ લઈ જવા માટે જે કદમ ઉઠાવ્યા છે એમાં આ બુલેટ ટ્રેન આજે એક સ્વપ્ન એ આજે સંજોળાયું છે અને આજે એનું ખાતમુહૂર્ત થયું છે. આ બુલેટ ટ્રેનથી ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર જોડાવાનું છે. બુલેટ ટ્રેનનો ગુજરાતને જે નિમિત્ત બનાવ્યું અને અમદાવાદ બોમ્બેને જોડવામાં આવ્યું એટલે ગુજરાત એ માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યતા અનુભવે છે અને વડાપ્રધાન મોદીજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે કે આ બુલેટ ટ્રેન ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર વચ્ચે આપવામાં આવી છે. 80% ગુજરાતમાં 350 કિલોમીટર આ ટ્રેન દોડવાની છે. મહારાષ્ટ્રમાં બોમ્બેમાં પણ અનેક લાખો ગુજરાતીઓ છે, એટલે બોમ્બે આર્થિક નગરી છે, ગુજરાત અને બોમ્બે વચ્ચે પણ અનેક નાતાઓ છે, એમાં ઝડપ થશે અને નાતાઓ પણ વધુ જોડાશે. બોમ્બેમાં રહેતી બેન સવારે આવીને અમદાવાદમાં રક્ષાબંધન કરીને પાછી જઈ શકશે, 5 કલાકમાં રાખડી બાંધીને જઈ શકશે. આ બુલેટ ટ્રેનથી તાત્કાલિક કોઈને ત્યાં આગળ કોકિલાબેન અંબાણી હોસ્પિટલમાં ત્યાં દેખાડવું હશે તો સવારે જઈને સાંજે પાછા આવી શકશે. ઉદ્યોગ, વેપાર, અભ્યાસ, એજ્યુકેશન, આ બધી ક્ષેત્રમાં ગુજરાતને ખૂબ મોટો લાભ થવાનો છે. અને સાથે સાથે આ ટ્રેન અને આનું નિર્માણ એ ગુજરાતમાં મોટા પાયે થશે ત્યારે લાખો લોકોને રોજીરોટી આમાંથી મળશે અને રોજગાર પણ ગુજરાતના યુવાનોને મળવાનો છે. આ માટે ફરીથી આપણા બધા વતી જાપાનના વડાપ્રધાન અને ભારતના વડાપ્રધાનનો સમગ્ર ગુજરાતની 6.5 કરોડની જનતા વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને ગુજરાત માટે આજે જે સોનાનો દિવસ આપણા માટે મળ્યો છે એ આપણા માટે આનંદની વાત છે. રેલવેના ઇતિહાસમાં આ નવું કદમ એ ગુજરાતની ધરતી ઉપરથી થઈ રહ્યું છે ત્યારે આપણે બધા ગૌરવવંતા બન્યા છીએ. આપ સૌનો ખૂબ આભાર સાથે ધન્યતા અનુભવું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. ધન્યવાદ માનનીય. હવા કિસી ગતિ, શૂન્ય દુર્ઘટનાઓ કા કીર્તિમાન, લેટ હોને કી વાર્ષિક દર 1 મિનિટ સે ભી કમ, હવાઈ યાત્રા સે ભી કમ સમય, જો સબસે લંબી 21 કિલોમીટર સુરંગ સે નિકલ કર કઈ નદીઓ કો પાર કર સમુદ્ર કો ચીર કર નિકલતી હો, જો મેક ઇન ઇન્ડિયા કે સપને કો સચ કર દિખાતી હો. આઈએ કિસી સુનહેરે સપને સે લગને વાલી ઇસ ટ્રેન કો હકીકત કે પર્દે પર મિલકર દેખતે હૈ. ભારત કી પ્રગતિ કા એક સ્વપ્ન આજ જાપાન કે સહયોગ સે સાકાર હોને જા રહા હૈ. ભારત કી પ્રથમ હાઈ સ્પીડ રેલ જો મુંબઈ કો અહેમદાબાદ સે જોડેગી. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી કે ઇસ સ્વપ્ન કા કાર્ય આજ સે પ્રારંભ હો રહા હૈ. ઇસ પરિયોજના કા નિર્માણ એવં સંચાલન નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ કરેગા. પરિયોજના કા પ્રથમ કદમ હોગા વડોદરા મે એક પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર કા નિર્માણ, જહાં 4000 સે અધિક કર્મચારીઓ કો નઈ તકનીકી કા પ્રશિક્ષણ દિયા જાયેગા ઓર ફિર નદી, સડક ઓર રેલ લાઇન્સ કો પાર કરતે હુએ કઈ પુલો કા નિર્માણ હોગા. ઇસ પરિયોજના કે નિર્માણ મે 20000 સે અધિક લોગો કો રોજગાર મિલેગા. સમુદ્ર, પહાડ, શહેર, હર બાધા કો લાંઘતે હુએ 5 કરોડ સે અધિક નાગરિકો કે આર્થિક વિકાસ કો બઢાવા દેતે હુએ
आगे बढ़ेगा ये रेल मार्ग। जापान के तकनीकी सहयोग से बनी ये रेल अतुलनीय होगी। इस उच्च गति के रेल के आने से राष्ट्र की उन्नति होगी व नव भारत का निर्माण होगा। ऐतिहासिक साबरमती स्टेशन का नवीनीकरण होगा, जो इस परियोजना का आरंभ स्थल है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली इस ट्रेन की अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सघन जांच होगी। मुंबई टर्मिनल से अहमदाबाद के 8 घंटे के सफर को मात्र 2 घंटे में तय करेगी ये हाई स्पीड रेल। सालाना 1.5 करोड़ यात्री इससे लाभान्वित होंगे व भारत का नाम उच्च गति रेल के आधुनिक तकनीकी का सफल उपयोग करने वाले राष्ट्रों की श्रेणी में अंकित हो जाएगा। और इस प्रकार संकल्प से समृद्धि की ये गौरव यात्रा पूरी होगी। ये ट्रेन हम भारतीयों के जज्बे का आईना है। अब प्रगति का सफर तेजी से हमें तय करना है, चुनौतियों को पार कर अपना रास्ता बनाते हुए मंजिल तक निश्चित ही पहुंचना है। भारत के लिए आज का दिन रेल के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ है। भारतवासियों, इस कुशल, दक्ष, आश्चर्यजनक, सर्वगुण संपन्न ट्रेन के लिए हम हमारे रेल अधिकारियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जापान हिज एक्सेलेंसी मिस्टर शिंजो आबे और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अनुनय करते हैं कि कृपया हाई स्पीड रेल प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान बड़ोदरा की आधारशिला पट्टिका का अनावरण करें रिमोट का बटन दबाकर। जी हां, इस इंस्टीट्यूट बड़ोदरा का अनावरण किया गया, शिलान्यास पट्टिका का अनावरण। और ये देखिए साइट, इसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बड़ोदरा की साइट का बहुत ही लाइव फीड आपको हम दे रहे हैं। काम का शुभारंभ भी हो चुका है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जापान तथा भारत के माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया इस ड्रीम प्रोजेक्ट के शिलान्यास पट्टिका का रिमोट द्वारा अनावरण करके भूमि पूजन को संपन्न करें। जी हां, भारत की तेजी से चलती विकास यात्रा की एक और सौगात, दोनों देशों की मित्रता का एक बहुत ही ऐतिहासिक पल। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, कोटि कोटि धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी सभ्यता संस्कृति पर नाश करने वाले दो महान देश आज दोस्ती, शांति, समृद्धि का एक नया सफर तय कर रहे हैं। सदियों से विश्व ने जिसको द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहकर बड़े अदब से पुकारा, उस महान गौरवशाली देश जापान के माननीय प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी मिस्टर शिंजो आबे भारत के साथ अपने अटूट रिश्ते की एक और डोर बांधने भारत पधारे हैं। हम विनम्र निवेदन करते हैं जापान के माननीय प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी मिस्टर शिंजो आबे से कि कृपया हम सभी को संबोधित करें। नमस्कार।今日という日は歴史的な日です。日印関係の新たな章を開き、インド高速鉄道の第一歩となるこの瞬間に立ち会うことは、私の至上の喜びです。日印共同プロジェクトの決定から2年、式典の実現のための関係者のご尽力に心から敬意を表します。आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जापान और भारत के संबंधों के एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि मैं भारत की हाई स्पीड रेलवे के पहले कदम के इस क्षण का साक्षी हूँ। 2 वर्ष पूर्व इस जापान भारत के जॉइंट प्रोजेक्ट का निर्णय लिया गया था। वे सभी लोग जिनके प्रयासों के फलस्वरूप आज इस समारोह का आयोजन हो रहा है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ।
ちょうど10年前、私はインド国会で演説する栄誉に浴しました。日印関係は世界で最も可能性を秘めた二国間関係である。強いインドは日本のため、強い日本はインドのため、この私の信念を強調し、インド洋と太平洋という2つの海の交わりを担う日印両国の絆が必然的に導く光あふれる未来について述べました。ठीक 10 वर्ष पहले मुझे भारत की संसद में भाषण देने का शुभ अवसर मिला था। जापान और भारत के संबंध दुनिया के किसी भी द्विपक्षीय संबंध से अधिक संभावनाओं से भरपूर हैं। ताकतवर भारत जापान के हित में है और ताकतवर जापान भारत के हित में है। मेरी इस धारणा पर जोर देते हुए मैंने उल्लेख किया था कि जापान और भारत के संबंध की जिम्मेदारी हिंद और प्रशांत महासागरों का संगम है और यह संबंध अनिवार्य रूप से एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा।今日この日、その光あふれる未来の一端が確かな姿を現しました。आज इस दिन उस चमकते हुए उज्जवल भविष्य का एक हिस्सा एक ठोस रूप में दिखाई दे रहा है।思い起こせば1964年、日本の高度経済成長はその年から始まりました。日本は第二次世界大戦の敗戦で焼け野原になった。これを乗り越え新たな日本へ生まれ変わる、これまでにない前人未到の速さの高速鉄道を完成させるために、政界、官界、経済界、技術者、国民が一致団結しました。そして1964年ついに新幹線が開業したのです。मुझे याद है वर्ष 1964 जापान की तीव्र आर्थिक वृद्धि इसी वर्ष में शुरू हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान एक जले हुए खेत, एक मलबे का ढेर बन गया था। इन सब कठिनाइयों पर काबू पाकर एक नए जापान का पुनर्जन्म हुआ। आज जब तो देखी ना गई हो ऐसी हाई स्पीड रेलवे बनाने का निर्णय राजनीतिक मंडल, सरकारी अधिकारी, व्यापारी समुदाय, इंजीनियर और नागरिकों ने एकजुट होकर लिया और फिर वर्ष 1964 में शिंकानसेन मतलब जापान की हाई स्पीड रेलवे की सेवा की शुरुआत हुई। 日本経済が、社会が、人々の生活が変わりました。東京、名古屋、関西は日帰り出張圏となり、新幹線はスズキ、トヨタをはじめ皆様が知る世界の工場をつなぐ大動脈となったのです。日本は年率成長率が平均 10% を超える高度経済成長に突入し、そして先進国の仲間入りを果たしました。और इसी के साथ जापान की अर्थव्यवस्था, समाज और लोगों के रहन सहन में बदलाव आया। टोक्यो, नागोया, कांसाई क्षेत्र अब एक दिन के दौरे की दूरी बन गए और शिंकानसेन, सुजुकी, टोयोटा जैसे दुनिया भर में जानी मानी बड़ी कंपनियों के कारखाने को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण यातायात का साधन बन गई। जापान ने 10% से अधिक आर्थिक विकास स्तर के काल में प्रवेश किया और विकसित देशों के बीच जगह पाई। モディ首相は世界的先見的な視野を持つリーダーです。そしてそのモディ首相は2年前に決断しました。インドに高速鉄道を作る、新たな先進国としてのインドを作るという決意です。そして日本の新幹線を選んだ私は、そして日本政府と日本の企業は一丸となってそのモディ首相の決断を全面的に支援する決意です。मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक और दूरदर्शी नेता हैं और मोदी जी ने 2 वर्ष पहले एक निर्णय लिया, निर्णय भारत में हाई स्पीड रेलवे लाने का और एक नए भारत न्यू इंडिया का निर्माण करने का, और इसके लिए उन्होंने जापान की शिंकानसेन को चुना। मैंने, जापान की सरकार ने और जापानी कंपनियों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय को पूरी तरह समर्थन देने की प्रतिज्ञा ली है। すでに日本からの技術者は100名を超え、日印の技術者が顔を突き合わせ、昼夜を問わず激しい議論を戦わせています。日本の技術者のものづくり魂とインドの技術者の実行力、日印の技術者が協力すればできないことはない。जापान से 100 से अधिक इंजीनियर भारत आ चुके हैं और जापान और भारत के इंजीनियर मिलकर रात दिन एक करके चर्चा कर रहे हैं। जापान के इंजीनियरों के शिल्प कौशल के प्रति उनकी निष्ठा
और भारतीय इंजीनियरों के कार्य करने की क्षमता, अगर ये दोनों मिलकर आपस में सहयोग करें तो ऐसा कोई काम नहीं जो संभव ना हो। जापान मेक इन इंडिया के प्रति प्रतिबद्ध है। अगर जापान की उच्च स्तरीय तकनीक और भारत के उत्तम मानव संसाधन सहयोग करें तो भारत विश्व का कारखाना बन सकता है। जापान की कंपनियां भी भारत के प्रति अपने प्रण को लेकर गंभीर हैं। जापान की कंपनी कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज और भारत की BHEL हाई स्पीड रेलवे के रोलिंग स्टॉक के उत्पादन में सहयोग करेंगे। शिंकानसेन यहां साबरमती से सारे भारत में फैलेगी और पूरे भारत में दौड़ती शिंकानसेन के लिए और सभी भारतीयों के लिए जापान की सरकार और निजी कंपनियाँ कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं। 開業以来死亡事故ゼロ、世界一の安全を誇ります。日本は今年に入ってすでに3度にわたり鉄道安全の専門家をインドに派遣しました。日本は新幹線に代表される鉄道安全の知見を惜しみなく共有し、インド全国で鉄道の安全確保に協力します。ジャパンの新幹線は、ジャプセ始まりは、一度も悲劇が起こりません。और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि यह विश्व की सबसे सुरक्षित रेल सेवा है। इस साल जापान ने 3 बार सुरक्षा विशेषज्ञों को भारत भेजा है। जापान शिंकानसेन की उत्तम स्तर की रेल सुरक्षा का ज्ञान भारत के साथ साझा करेगा और इससे भारत की सभी रेल सेवाओं में सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहयोग देगा। インド太平洋のルールに基づく国際秩序を主導する真に特別で戦略的かつグローバルなパートナーシップに発展しています。मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा, अब जापान और भारत के बीच का सहयोग केवल द्विपक्षीय नहीं रहा, यह हिंद प्रशांत महासागर के नियम पर आधारित विश्व व्यवस्था का नेतृत्व भी करता है और यह वास्तव में एक विशेष सामरिक और वैश्विक भागीदारी मतलब स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में विकसित हुआ है। निप्पन तो इंडो वा 自由民主主義人権法の支配などの基本的価値と戦略的利益を共有しています。アジアで培われた伝統である多元主義寛容さらには力による現状変更を認めず紛争の平和的解決という大原則の守護神となれるのはアジアの二大民主主義国である日本とインドです。日印で守るべき価値をインド太平洋に広げ、相互の成長に拍車をかけていかなければなりません。Japan और भारत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार, कानून का नियम जैसे बुनियादी मूल्यों एवं सामरिक लाभ को साझा रखते हैं। एशिया में पोषित हुई परंपराएं जैसे बहुवाद, सहनशीलता, बल द्वारा वर्तमान स्थिति में बदलाव को स्वीकार न करना और विवादों का शांतिपूर्वक हल खोजना, इन जैसे प्रमुख सिद्धांतों का अभिभावक बनने के लायक एशिया के दो बड़े लोकतंत्र जापान और भारत हैं। यह आवश्यक है कि जापान और भारत मिलकर रक्षा हेतु मूल्यों का हिंद प्रशांत महासागर में प्रचार करें और आपसी विकास को प्रोत्साहन दें। इंडो ताहियो क्षेत्र के सभी देशों को जीवन में रखकर जीवन का नया कायस नोजों देर लोडो स्टेम को सम्मान और जेंच के कोयो को सम्मान 国民が望む開発計画に沿った開発を望んでいる。そのために日印は協力を強化します。हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के सभी देश स्वतंत्र, खुले और सतत विकास की चाह रखते हैं। वे चाहते हैं कि क्षेत्रीय संप्रभुता का आदर हो, स्थानीय रोजगार का आदर हो और ऐसा विकास हो जो उसके नागरिकों के इच्छानुसार विकास योजना पर आधारित हो। इसे साकार करने के लिए जापान और भारत अपने सहयोग को और मजबूत बनाएंगे। निप्पन वा जापान, その日本とインドが協力すれば、ヒンドゥー語のジャイ、すなわち勝利することができます。ジャイジャパン、
在インディア。そのために私はモディ首相と力を合わせます。ジャパンかジャーとインディアかイ、あがいねみらで、とヒンディメジャー、マネ、ビジャイバンジャータヘ。ジャイインディア、ジャイジャパン。इसे भी साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मैं मिलकर प्रयास करेंगे। सकदित, 私が空港に着いて、そして街頭をずっと車でモディ首相と共に走った際、地域の皆様から受けたあの大変な歓迎、私は忘れることはないでしょう。और मैं जब यहाँ पहुँचा था एयरपोर्ट पे तो मुझे बहुत ही सुंदर दृश्य दिखे थे और मैं आशा करता हूँ कि कुछ वर्षों में जब मैं यहाँ आऊँ अहमदाबाद आऊँ तो मोदी जी के साथ शिंकानसन में बैठकर आऊँ और मुंबई अहमदाबाद के बीच के सुंदर दृश्यों को शिंकानसन की ट्रेन की खिड़की से देखते हुए बातें करते हुए आऊँ そして皆様の前で日本は現在もそしてこれからも友人であり続けることをお誓いいたします。और मुझे गुजरात बहुत पसंद है मेरे प्यारे गुजरात और मेरे प्यारे भारत के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं मैं करूंगा और आगे चलकर भी हम अपने प्रयासों को जारी रखेंगे 私が数年後にこのアーメダバードの地を訪れる時にはモディ首相と新幹線に乗って美しいアーメダバード・ムンバイ間の車窓を見ながら語り合えることと思います。और मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा कि अगली बार जब मैं अहमदाबाद आऊँ तो शिंकानसेन में बैठ के आऊँ और मोदी जी के साथ शिंकानसेन में बैठ के आऊँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हिज एक्सीलेंसी आपके अपनत्व से भरे हुए इस संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज दोनों देशों की दो महान देशों की मित्रता उसके गौरवशाली पल इन सभी पलों के हम सब साक्षी बन रहे हैं बहुत बहुत मुबारक आप सभी को ये पल भारत को नई ताजगी नई स्फूर्ति नई मजबूती देने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हर दिल अजीज हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी की अद्भुत अगुवाई में हमारा भारत देश भविष्य के बुलंद आसमान पर अपनी पहुंच की दस्तक दे रहा है हमारे भारत का गर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया हम सभी को संबोधित करें जापान के प्रधानमंत्री श्रीमान शिंजो आबे शान गुजरात के गवर्नर श्रीमान ओपी कोहली जी केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी रेल मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी रेल राज्य मंत्री श्रीमान मनोज सिन्हा जी श्रीमान राजन गोहाई जी जापान से आए हुए विशिष्टगण और यहाँ इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित सभी महानुभाव अपने करीबी मित्र श्रीमान अबे शा का मैं भारत में और विशेषकर गुजरात की धरती पर एक बार फिर बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं અને મારે તમને પણ બધાને અભિનંદન આપવા છે
विश्वना एक नेता ने जापान ना प्रधानमंत्री ने अने भारत ना परम मित्र ने अने मारा अंगद मित्र ने जे रीते तमे स्वागत सम्मान कर्यो गई काल जे दृश्य बताया जे वातावरण बनायो हूँ हृदयपूर्वक सब गुजरात वासियों नो आभार मानो जो साथियों कोई भी देश आधे अधूरे संकल्पों और बंधे हुए सपनों के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। सपनों का विस्तार ही किसी भी देश को, किसी भी समाज को, किसी भी व्यक्ति की उड़ान तय करने का सामर्थ्य रखता है। ये न्यू इंडिया है और इसके सपनों का विस्तार, इसकी उड़ान असीम है, इसकी इच्छा शक्ति असीमित है। आज भारत ने अपने एक बरसों पुराने सपने को पूरा करने की ओर एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाया है। मैं देश के 125 करोड़ देशवासियों को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का इस भूमि पूजन के अवसर पर कोटि कोटि शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। बुलेट ट्रेन परियोजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो तेज गति, तेज प्रगति और उसके साथ तेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेज परिणाम भी लाने वाला है, जिसमें सुविधा भी है, सुरक्षा भी है, जो रोजगार भी लाएगा और वो रफ्तार भी लाएगा, जो ह्यूमन फ्रेंडली भी है और इको फ्रेंडली भी है। आज का दिन जापान और भारत के रिश्तों के लिए एक ऐतिहासिक और उतना ही भावात्मक अवसर भी है। एक अच्छा दोस्त हमेशा समय और सीमा के बंधनों से परे होता है और आज जापान ने दिखा दिया है कि वो भारत का कैसा मजबूत दोस्त है। जो सीमा और समय से परे है, मुंबई अहमदाबाद के बीच भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का भी एक उम्दा उदाहरण है, एक प्रतीक है। अगर आज इतने कम समय में इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे परम मित्र श्री अबे शान को जाता है। श्री शिंजो आबे ने व्यक्तिगत रुचि लेकर ये सुनिश्चित किया कि प्रोजेक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साथियों, मानव सभ्यता का विकास यातायात के साधनों के विकास के साथ बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन पर गौर करें तो देखेंगे कि उस समय गांव, शहर और लोग नदी के तट पर बसते थे।
और यही वो क्षेत्र होते थे जो विकास का केंद्र बनते थे। उसके बाद सड़कें विकास का माध्यम बनी और जहां जहां से हाईवेज गुजरते थे वहीं पर शहर बसना शुरू हो गए। और अब नेक्स्ट जनरेशन ग्रोथ वहीं पर होगी जहां हाई स्पीड कॉरिडोर होंगे। साथियों, किसी भी देश के विकास में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, चाहे वो रेल हो, सड़क हो, जलमार्ग हो या वायुमार्ग हो। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम देश में कनेक्टिविटी का आधार बनाती है और कनेक्टिविटी का लाभ देश के लोगों को विभिन्न तरीकों से मिलता है, अनेक प्रकार से मिलता है। जो लोग अमेरिका के इतिहास को जानते होंगे, अमेरिका के इतिहास में आज पूरा विश्व जानता है कि रेलवे जाने के बाद कैसे अमेरिका में आर्थिक प्रगति का नया दौर शुरू हुआ था। अभी हमारे मित्र अभेशान बता रहे थे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान का हाल क्या था, कैसी भयानक जिंदगी थी, कैसी गरीबी थी। लेकिन 1964 में जापान में बुलेट ट्रेन चली और फिर ये तकनीक धीरे धीरे दुनिया के 15 देशों में फैली और उसने जापान के अर्थ जगत को बदल दिया। आज यूरोप से लेकर चीन तक इसका छाया नजर आता है। हाई स्पीड रेल इन देशों में न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक परिवर्तन लाने में भी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका उसने अदा की है। तब से लेकर के अब तक समय बहुत बदला है, जरूरतें बदली हैं और इसलिए प्रयास करने के तरीकों में भी बदलाव बहुत ही आवश्यक है। समय के साथ छोटे छोटे प्रयास किए गए हैं, नई चीजें जोड़ी गई हैं, लेकिन अब वक्त धीरे धीरे बढ़ने का नहीं है। समय ज्यादा इंतजार नहीं करता। टेक्नोलॉजी जो पिछले 100 साल में नहीं बदली होगी वो पिछले 25 साल में बदल चुकी है। अब इतनी तेज गति से बदलाव आ रहा है तो आज हमारा जोर कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर हाई स्पीड कनेक्टिविटी पर हमारी प्राथमिकता है, हमारा जोर है। हाई स्पीड कनेक्टिविटी से स्पीड बढ़ेगी, डिस्टेंस घटेगी, आर्थिक प्रगति के नए अवसर खुलेंगे। साथियों, किसी भी देश में आर्थिक प्रगति का सीधा संबंध होता है प्रोडक्टिविटी से। ग्रोथ तभी होगी जब प्रोडक्टिविटी होगी। हमारा जोर है मोर प्रोडक्टिविटी विद हाई स्पीड कनेक्टिविटी। साथियों, आज इस अवसर पर मैं जापान के एक और मित्र भाव की विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। हम भारतीय और विशेष करके हम गुजराती और अहमदाबादी जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं या बिक्री की बात आती है तो बराबर तोल मोल का हिसाब लगाते हैं, एक एक पैसे का हिसाब लगाते हैं, घाटे और फायदे के रूप रंग बराबर चकासते हैं। जब हम एक छोटा सा बाइक भी खरीदने के लिए जाएं
और बैंक से लोन ले जाएं तो 10 बैंकों में चक्कर काटेंगे, एक बैंक में 10-10 बार जाएंगे, और कम रेट से, कम ब्याज दर से कौन लोन देगा उसका जरा हिसाब लगाते हैं। कोई बैंक 8% बताती होगी, कोई बैंक 9% बताती होगी, और फिर हम हिसाब लगाते होंगे, जोड़ तोड़ करते होंगे कि इतने परसेंटेज ब्याज से अगर मैं बाइक लाता हूं और जब बैंक को मैं ब्याज समेत पैसे लौटाऊंगा तब मेरे बाइक की कीमत क्या बनेगी, कितने साल में बनेगी, ये बहुत बारीकी से देखते हैं। बैंक वाला भी थक जाए उतनी बार बैंक के दरवाजे पर जाते हैं, जरा यार कम करो, 8% में नहीं बाइक ले सकता, 9% में नहीं ले सकता, थोड़ा कम करो, 0.5% भी कोई कम कर दे तो खुशी मनाते हैं। ये हम भली भांति जानते हैं और अहमदाबादी तो शायद बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए दोस्तों, कोई ऐसा दोस्त, ऐसी बैंक नहीं मिल सकती जैसे भारत को अबे शान जैसा दोस्त मिला है, दोस्त जापान जैसा दोस्त मिला। अगर कोई ये कहे कि बिना ब्याज के ही लोन ले लो और 10-20 नहीं 50 साल में चुकाना, तो कोई यकीन करेगा क्या? लोगों को ऐसा बैंक नहीं मिलते, लेकिन भारत को ऐसा दोस्त मिला है जिसने बुलेट ट्रेन के लिए 88,000 करोड़ रुपया 88,000 करोड़ रुपीज सिर्फ 0.1% 0.1% ब्याज दर से ये बुलेट ट्रेन के लिए पैसा देने का फैसला किया है। मैं हैरान हूं, जब मैं गुजरात में था तब मैं बुलेट ट्रेन की जब बात करता था तो मुझे पूछा जाता था, मोदी बातें करता है बुलेट ट्रेन क्यों लाए, कब लाएंगे, कब लाएंगे, कब लाएंगे। अब जब लाना शुरू किया तो पूछ रहे क्यों लाए। भाइयों बहनों, ये बुलेट ट्रेन एक प्रकार से जापान की भारत को बहुत बड़ी सौगात है, एक प्रकार से मुफ्त में ये पूरा प्रोजेक्ट बनता जा रहा है। और मैं जापान का फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो इस प्रोजेक्ट के लिए तकनीक और आर्थिक मदद के साथ भारत के सहयोग के लिए आज हमारे साथ जुड़ा है, आगे आया है। भाइयों और बहनों, इस हाई स्पीड रेलवे सिस्टम से ना दो सिर्फ दो जगहों के बीच दूरकर्मी होगी बल्कि 500 किलोमीटर दूर बसे दो शहरों के लोग भी और निकट आ जाएंगे और पास आ जाएंगे। और इसलिए मैं तो कहूंगा यह ट्रेन आमरू अहमदाबाद से आमची मुंबई जाएगी। जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो मुंबई और अहमदाबाद की दूरी 2 से 3 घंटे के भीतर भीतर पूरी की जा सकेगी। अगर हम हवाई यात्रा से इसकी तुलना करें तो जितना समय लोगों को एयरपोर्ट जाने में, वहां की औपचारिकता पूरी करने में और फिर हवाई यात्रा के बाद अपने घर या दफ्तर पहुंचने में जितना समय लगता है, उससे भी आधे समय में ये हाई स्पीड रेल से मुंबई जा सकते। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा बदलाव आएगा, लोगों का कितना समय बचेगा। मुंबई अहमदाबाद सड़क रूट पर जो हजारों गाड़ियां हर रोज चला करती हैं उसमें भी कमी आएगी, इसका पर्यावरण पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, और जब ईंधन बचेगा तो विदेशी पूंजी भी बचेगी क्योंकि हमें सारा ईंधन विदेशों से लाना पड़ता है। साथियों, इस प्रोजेक्ट के साथ
मुंबई अहमदाबाद रूट पर एक नया इकोनॉमिक सिस्टम भी विकसित होने जा रहा है। दोनों शहरों के बीच का पूरा एरिया एक प्रकार से सिंगल इकोनॉमिक जोन में परिवर्तित हो जाएगा। हाई स्पीड कॉरिडोर से न सिर्फ यातायात तेज होगा लेकिन ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा और इससे चाहे ट्रांसफर ऑफ मैन पावर हो या सामानों की ढुलाई हो, ये बहुत ही सरल और सुगम हो जाएगी। इससे देश का विकास भी होगा और मैंने जैसे पहले कहा, देश को एक नई रफ्तार मिलेगी। एक धारणा सी बन गई है कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो सिर्फ अमीरों के लिए आती है, जबकि अनुभव कुछ और होता है। टेक्नोलॉजी गरीबों के एम्पावरमेंट के लिए अगर उपयोग किया जाए तो गरीबी के खिलाफ भी लड़ाई बहुत तेजी से हम जीत सकते हैं। और इसलिए हमारा मकसद है इस टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग करते हुए उसको इतना एफोर्डेबल बना दिया जाए कि देश के गरीब की जिंदगी के साथ वो जुड़ जाए। मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी का लाभ तभी है जब देश का सामान्य नागरिक भी इसका भली भांति उपयोग कर सके। आज जब हम रेलवे में नवी एवं अत्याधुनिक तकनीकों को जोड़ रहे हैं तो हमारा पूरा प्रयास है कि देश के सामान्य मानवी को न्यू टेक्नोलॉजी का लाभ मिलना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के दौरान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रेलवे को फायदा होगा, क्षेत्र के टेक्नीशियंस, वेंडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, उनको भी लाभ मिलेगा और एक तरह पूरा नेटवर्क जो है रेलवे का, उसको नएपन की ओर आगे जाना पड़ेगा और उसको लाभ मिलेगा। साथियों, टेक्नोलॉजी हमें भले जापान से मिल रही है लेकिन बुलेट ट्रेन के लिए अधिकांश संसाधन भारत में ही जुटाए जाएंगे और इसलिए हमारे उद्योगों को भी वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने होंगे और उनकी समय पर सप्लाई भी करनी होगी। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर बल देना पड़ेगा। इससे मेक इन इंडिया को भी मजबूती मिलेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के हजारों अवसर भी ये प्रोजेक्ट अपने साथ लेकर के आ रहा है। साथियों, देश में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम न्यू इंडिया की आवश्यकता है, न्यू इंडिया का सपना है और इसलिए हम देश के फ्यूचर प्रूफिंग पर ध्यान दे रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सके। रेलवे हो, हाईवेज हो, वाटरवे हो या एयरवेज हो, हमने सभी क्षेत्रों में एक समान इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है और अप्रत्याशित गति से कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आज पहले से ज्यादा तेज गति से सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। जीएसटी का फायदा देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी मिला है और ट्रकों के द्वारा प्रतिदिन तय की जाने वाली दूरी 30% बढ़ी है। अगर पहले गुड्स लेकर के जाने वाला एक ट्रक एक दिन में अगर 200 किलोमीटर जाता था तो जीएसटी आने के बाद, चेक पोस्ट की मुसीबतें दूर होने के बाद, आज वही ट्रक 200 किलोमीटर के बजाय 250 किलोमीटर से भी ज्यादा यात्रा एक दिन में कर लेता है।
यानी पूरी इकोनॉमी में गति में ये 30% की बढ़ोतरी एकमात्र जीएसटी के निर्णय के कारण संभव हुई है और उसके कारण लोगों को सस्ता सामान पहुंचाने की संभावना बनने वाली है। सरकार जल मार्गों को परिवहन के पर्यावरण अनुकूल तरीके के रूप में विकसित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 106 अतिरिक्त नदियों को नेशनल वाटरवेज के रूप में विकसित करने का काम दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत में एविएशन सेक्टर भी नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। पिछले 3 वर्षों में डोमेस्टिक फ्लायर्स की संख्या में हवाई जहाज में सफर करने वालों की संख्या में लगभग 3 करोड़ यात्रियों की वृद्धि हुई है। एविएशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए पहली बार नेशनल एविएशन पॉलिसी हमने बनाई है। मध्यम वर्ग के जीवन में उड़ान योजना के माध्यम से बदलाव लाया जा रहा है। इस योजना के तहत देश के 70 छोटे शहरों को जोड़ा जा रहा है ताकि देश का आम नागरिक कभी सस्ती हवाई सेवाओं का भी वो फायदा उठा सके। वर्तमान रेल व्यवस्था को सुधारने और आधुनिक तकनीक के आधार पर नए रेल नेटवर्क के निर्माण दोनों पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। हमने रेलवे ट्रैक उसको डबलिंग करना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, इस काम को भी तेजी से आगे बढ़ाया है और पहले से ज्यादा तेज गति से काम हो रहा है। जितना निवेश रेलवे में अभी ये सरकार कर रही है उतना इसके पहले कभी नहीं हुआ है। निवेश बढ़ाने के साथ ही अब दशकों से अटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने पर भी बल दिया जा रहा है। भारतीय रेलवे की क्षमता में बढ़ोतरी और माल ढुलाई में आसानी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर यूपी के दादरी तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसी तरह कोलकाता से लुधियाना तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। अगले 3-3.5 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा करने लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद जो कंजेशन है वो कम होगी, यात्री ट्रेनों का समय बचेगा और रेलवे की ट्रांसपोर्ट क्षमता भी बढ़ेगी। साथियों, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट आधुनिक रेलवे निर्माण के विजन का इंटीग्रल पार्ट है। मुझे बहुत खुशी है कि आज इसका भूमि पूजन हुआ है और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, भूमि पूजन आज हुआ है। आजादी के 70 साल हुए हैं, साबरमती आश्रम की शताब्दी मना रहे हैं। मन में इच्छा है, सपना है, जब आजादी के 75 साल हो 2022-23 में ये हम रेल का काम पूरा करें और जैसा अबे शान ने कहा, हम दोनों बैठ करके उसमें यात्रा करके उसका उदाहरण करें। जापान और भारत ने एक बार ठान ली तो ये भी हम करके रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ हाई स्पीड रेल एक्सपर्ट तैयार करने के लिए वडोदरा में
हाई स्पीड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मैं मानता हूं। वडोदरा वर्षों से रेलवे का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इकाई रही है। अब जापान वहां पर हाई स्पीड रेलवे के लिए जिस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी को सिखाने की आवश्यकता है, भारत के नौजवानों, विशेष के गुजरात के नौजवानों को ये अवसर मिलेगा। और जब ह्यूमन रिसोर्स स्किल डेवलपमेंट होता है तो देश की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है, जो एक हाई स्पीड से भी ज्यादा होती है। वो काम अब बड़ौदा की धरती पर होगा, जापान के मदद से होगा, और आधुनिक से आधुनिक रेलवे इंजीनियरिंग का काम है वो, उसके लिए भारत के नौजवानों को तैयार किया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि नए भारत के लिए कितने बड़े सामर्थ्यवान मानव बल को तैयार करने का काम इस एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा होने वाला है। मेरे लिए जितना महत्व हाई स्पीड रेलवे के भूमि पूजन का है, उससे भी कई गुना महत्व देश के नौजवानों को ये आधुनिक ट्रेनिंग देने के लिए ये जो इंस्टीट्यूशन का भूमि पूजन हो रहा है इसमें है। और ये 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव डालने का काम इससे होने वाला है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े भारत और जापान के सभी प्रतिनिधियों का, कर्मचारियों का एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। उनके प्रयास से ये प्रोजेक्ट यहां तक पहुंचा है और अब जमीन पर इसका असली काम शुरू हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम मिलकर इस प्रोजेक्ट को समय से कम समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे और करके दिखाएंगे। एक बार फिर से जापान के प्रधानमंत्री और मेरे परम मित्र श्रीमान शिंजो आबे, श्रीमान आबे शाम, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और भारत का ट्रेन नेटवर्क इतना बड़ा है कि जापान की जो कुल जनसंख्या है, हमारे यहां एक सप्ताह में जापान की जितनी जनसंख्या है इतने लोग रेलवे में सफर करते हैं। कितनी विशालता, कितनी क्षमता हमारे पास, स्कोप है, स्पीड है, आपके पास कील है, और हम मिलकर के इस नए भारत को नई गति देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं फिर एक बार गुजरात वासियों ने जो भव्य स्वागत सम्मान किया, जापान के प्रधानमंत्री की शोभा के अनुरूप किया, इसलिए गुजरात का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं गुजरात और महाराष्ट्र सरकार दोनों को बधाई देता हूं कि इस काम के अंदर इन दोनों सरकारों ने मिलकर के, भारत सरकार और जापान सरकार के साथ मिलकर के सारे विषयों को एक बार एक के बाद एक हाई स्पीड से निपटाते गए और पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाया। इसलिए मैं गुजरात के मुख्यमंत्री का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का, उनका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणा के लिए। जापान और भारत दोनों देश धरती शुभम लिखेंगे, मंगलमय आकाश लिखेंगे, उजियारे पृष्ठों का स्वर्णिम हम इतिहास लिखेंगे। कोटिशह धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जापान हिज एक्सेलेंसी मिस्टर शिंजो आबे, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस शुभ सौगात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हिज एक्सेलेंसी मिस्टर शिंजो आबे आपका, और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी का। ये रिश्ते एक बार फिर मिसाल बनकर प्रगति पथ पर तेजी से बढ़ रहे हैं। गति, प्रगति, उन्नति, समृद्धि, कीर्ति, शांति की नदियां अब इस महान दोस्ती के महासमंदर में जाकर मिल गई हैं। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं भारतवासियों, बहुत बहुत सारी बधाई आज के इस शुभ सौगात के लिए हम सभी को, आप सभी को हम हृदय से आभारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जापान,
आपके कि आपने ये शुभ सौगात भारत को दी और इस शुभ मौके पर आप यहाँ पर हम सभी के बीच में मौजूद रहे। हम आप सभी से निवेदन करते हैं जो यहाँ पर